ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पंचमुखी हनुमान कवचम। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजम मम शक्ति चंद्रह केलकम। ओम रौं कवचाय हुम हौं अस्त्राय फट। ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारणाय। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमान इति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुतायेति कीलकम् श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुंभांकुशाद्रिमहलं खटवांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं। श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वासट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 स्फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं गं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः। ओम पूर्वकविमुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडासनाय
पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ओम उत्तरमुखी आदिवराहाय लंग 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृही परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जंग 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठेत् नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठेत् नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठेत् नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठेत् नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठेत् नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठेत् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेत् नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठेत् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं एकादशं पठेत् नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं ओम रौं कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्व मुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमान इति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुताय इति कीलकं श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तक सुधा कुंभांकुशाद्रिमहलं खटवांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय
कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्य बिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वासट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 स्फट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं गं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः ओम पूर्वकवि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ओम उत्तर मुखी आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठेन्नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठेन्नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेन्नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं एकादशं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाग्यं कार्यं हनुमतः प्रियं ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं ओम रौं कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय
पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमान इति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुतायेति कीलकं श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुंभांकुशाद्रिमहलं खटवांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वासट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 स्फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं गं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः। ओम पूर्वकवि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखी आदिवराहाय लंग 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय
प्रथम ब्रह्मांडनायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृही परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जंग 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठेत् नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठेत् नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठेत् नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठेत् नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठेत् नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठेत् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेत् नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठेत् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं एकादशं पठेत् नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाग्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं ओम रौं कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमान इति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुताय इति कीलकं श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुंभांकुशाद्रिमहलं खटवांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विध्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय
वं 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 वासट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 स्फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं गं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः। ओम पूर्वकवि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखी आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठेन्नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाग्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं ओम रौं कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय
ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमान इति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजना सुतायेति कीलकं श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुंभांकुशाद्रिमहलं खटवांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वासट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 स्फट स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा। ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं गं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः। ओम पूर्व कवि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लंग 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजना सुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृही पर्यंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठेत् नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्र पौत्र प्रवर्धनं
त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाग्यं कार्यं हनुमतः प्रियं ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं ओम रौं कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्व मुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री रामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर हनुमान इति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजना सुतायेति कीलकं श्री रामचंद्र वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तक सुधा कुंभांकुशाद्रिमहलं खटवांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीराम दूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्र वर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वासट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 स्फट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते
परयंत्रतंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः। ओम पूर्वकविमुखाय पंचमुखे हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखे हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखे वीरहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठेन्नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठेन्नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेन्नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं एकादशं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः। कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाग्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं। ओम रौं कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट। ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहारणाय। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसंपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमान इति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुतायेति कीलकं श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्।
वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तकसुधा कुंभांकुशाद्रिमहलं खटवांगं फणिभोरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वासट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 स्फट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं गं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः ओम पूर्व कवि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ओम उत्तरमुखी आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृही पर्यंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठेत् नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं
एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं ओम रौं कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री रामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमान इति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजना सुतायेति कीलकं श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तक सुधा कुंभांकुशाद्रिमहलं खटवांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वासट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 स्फट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं गं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः। ओम पूर्वकवि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय
ह्रां 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 सकलभूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखे वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठेन्नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठेन्नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं अष्टवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेन्नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं एकादशं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाग्यं कार्यं हनुमतः प्रियं। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकं। ओम रौं कवचाय हुं हौं अस्त्राय फट। ओम हरिमर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूत प्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुडाननाय सकल विषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवराहाय सकल संपत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवशकराय स्वाहा। ओम अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमान इति शक्तिः हनुमत प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः पुनर्हनुमान इति बीजं ओम वायुपुत्राय इति शक्तिः अंजनासुताय इति कीलकं श्रीरामचंद्रवर प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। वंदे वानर नारसिंह खगराट क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचां हस्ताब्जैरसिखेट पुस्तक सुधा कुंभांकुशाद्रिमहलं खटवांगं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहं श्रीरामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोक निवारणाय
महाबल प्रचंडाय लंकापुरी दहनाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्रांतराल लंघिताय पिंगल नयनायामित विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेवाधिष्ठित पराक्रमाय संजीवन्याम अंगद लक्ष्मण महाकपि सैन्य प्राणदात्रे दशग्रीव विद्वंसनाय रामेष्टाय सीता सहित रामचंद्रवर प्रसादाय षट प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन मंत्र जपे विनियोगः ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय वं 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 वासट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय फं 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 स्फट स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय ठं 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 स्तंभनाय स्वाहा ओम हरि मरकट मरकटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा ओम ढम 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 कूर्म मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं गं चं छं जं छं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं शं स्वाहा इति दिग्बंधः ओम पूर्व कवि मुखाय पंचमुखी हनुमते ठं 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय रां 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम पश्चिम मुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा ओम उत्तर मुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकंठाय पंचमुखी हनुमते स्वाहा ओम अंजनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्ट फाल्गुन सखाय सीताशोक निवारणाय लक्ष्मण प्राण रक्षकाय कपिसैन्य प्रकाशाय दशग्रीवाभिमान दहनाय श्रीरामचंद्रवर प्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्मांड नायकाय पंचमुखी हनुमते भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्ष गृही पर्यंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकल शत्रु संहरणाय पंचमुखी हनुमद्वर प्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा पठित्वेदं तु कवचं महांतं कवचं पठेत् एकवारं पठेत् नित्यं सर्वशत्रु निवारणं द्विवारं तु पठेत् नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसंपत्करं परं चतुर्वारं पठेत् नित्यं सर्वमर्त्यवशंकरं पंचवारं पठेत् नित्यं सर्वरोग निवारणं षड्वारं तु पठेत् नित्यं सर्वदेव वशीकरं सप्तवारं पठेत् नित्यं सर्वकामार्थ सिद्धिदं अष्टवारं पठेत् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकं नववारं पठेत् नित्यं सर्वेश्वर्य प्रदायकं दशवारं पठेत् नित्यं त्रैलोक्य ज्ञान दर्शनं एकादशं पठेत् नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मी फलप्रदं तस्माच्च प्रयता भाग्यं कार्यं हनुमतः प्रियं।